दुर्गा सप्तशती सरल भाषा पाठ तीसरा अध्याय। चक्षुर ने नित सेना का सुना जबी संघार, क्रोधित होकर लड़ने को आप हुआ तैयार। ऋषि मेधा ने राजा से फिर कहा, सुनो तृतीय अध्याय की अब कथा। महायोद्धा चक्षुर था अभिमान में, गरजता हुआ आया मैदान में। वह सेनापति असुरों का वीर था, चलाता महाशक्ति पर तीर था। मगर दुर्गा ने तीर काटे सभी, कई तीर देवी चलाए तभी। जब भी तीर तीरों के टकराते थे, तो दिल शूर वीरों के घबराते थे। तभी शक्ति ने अपनी शक्ति चला, वह रथ असुर का टुकड़े टुकड़े किया। असुर देख बलमा का घबरा गया, खड़ग हाथ ले लड़ने को आ गया। किया वार गर्दन पे जब शेर की, बड़े वेग से खड़ग मारी तभी। भुजा शक्ति पर मारा तलवार को, वो तलवार टुकड़े गई लाख हो। असुर ने चलाई जो त्रिशूल भी, लगी माता के तन को वह फूल सी। लगा कांपने देख देवी का बल, मगर क्रोध से चैन पाया न पल। असुर हाथी पर माता थी शेर पर, लाई मौत थी दैत्य को घेर कर। उछल सिंह हाथी पे ही जा चढ़ा, वह माता का सिंह दैत्य से जा लड़ा। जभी लड़ते लड़ते गिरे पृथ्वी पर, बड़ी भद्रकाली तभी क्रोध कर। असुर देल को सेनापति मार कर, चली काली के रूप को वो धार कर। गरज थी खड़ंग को चलाती हुई, वह दुष्टों के दल को मिटाती हुई। पवन रूप हलचल मचाती हुई, असुर दल समीप पर सुलाती हुई। लहू की वह नदियां बहाती हुई, नए रूप अपने दिखाती हुई। महाकाली ने असुरों की जब सेना दी मार, महिषासुर आया तभी रूप भैसे का धार। गर्ज उसकी सुनकर लगे भागने गण, कई भागतों को असुर ने संघारा। खुरों से दबाकर कई पीस डाले, लपेट अपनी पूछ में कईयों को मारा। जमी आसमां को गर्ज से हिलाया, पहाड़ों को सींगों से उसने उखाड़ा। श्वासों में बेहोश लाखों ही कीने, लगे करने देवी के गण हाहाकार। विकल अपनी सेना को दुर्गा ने देखा, चढ़ी सिंह पर मार किलकार आई। लिए शंख चक्र गदा पदम हाथों, व त्रिशूल पर साले तलवार आई। किया रूप शक्ति ने चंडी का धारण, व दैत्यों को करने थी संगार आई। लिया बांध भैसे को निज पाश में झट, असुर ने वो भैसे की देह पलटाई। बना शेर सन्मुख लगा गरजने वो, तो चंडी ने हाथों में परसा उठाया। लगी काटने दैत्य केसर को दुर्गा, तो तज सिंह का रूप नर बन के आया। जो नर रूप की माने गर्दन उड़ाई, तो गज रूप धारण किया बिलबिलाया। लगा खेचने शेर को सूंड से जब, जो दुर्गा ने सूंड को काट गिराया। कपट माया कर दैत्य ने रूप बदला, लगा भैसा बन के उपद्रव मचाने। तभी क्रोधित होकर जगत मात चंडी, लगी नेत्रों से अग्नि बरसाने। चमकते हुए मुख से प्रकटी ज्वाला, लगी अब असुर को ठिकाने लगाने। उछल भैंस की पीठे पर जा चढ़ा वो, लगी पांवों से उसकी देह को दबाने। दिया काट सर भैंसे का खड़ग से जब, तो आधा ही तन असुर का बाहर आया। वो त्रिशूल जगदम्बे ने हाथ लेकर, महादुष्ट का शीस धर से उड़ाया। चली क्रोध से मैया ललकारती तब, किया पल में दैत्यों का सारा सफाया। पुष्प देवों ने मिलकर गिराए, अप्सरों ने गंधर्वों ने राग गाया। तृतीय अध्याय में है महिषासुर संघार, पड़े जो प्रेम से मिटते कष्ट अपार। जय माता दी। तीसरे अध्याय में है महिषासुर संघार, किस तरह राक्षस महिषासुर अपने अलग अलग रूप बदलता रहा और देवी भी अपने रूप बदल बदल कर
अपने शस्त्रों से वार करती रही और अंत में महिषासुर का वध हुआ और देवी हमेशा के लिए महिषासुर मर्दिनी शक्तिशाली माँ के रूप में मानी और पूज्य जाने लगी। जय माता दी।